मंथ और टू मैं प्लान कर रहा हूँ कि पूरा कैबिनेट मीटिंग में एक बार विजयनगर में करेंगे। वो डैम का जो सवाल है इसमें आई थिंक बहुत लोग मिसलीड करने का बहुत कोशिश कर रहा है अरुणाचल प्रदेश और पूरा। सर आपके द्वारा एक कमिटमेंट या एश्योरेंस दिया गया था विजयनगर के लोगों को और साथ ही साथ ताली के लोगों को, लेकिन अगर हम बात करें विजयनगर की तो हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए हैं। जैसे आपने कहा था कि मोटरेबल कर दिया जाएगा तो मोटरेबल तो हो गया, लेकिन अभी भी गांधीग्राम टू विजयनगर बाकी है करीबन 20 किलोमीटर, उसका अपडेट हम जानना चाहेंगे, उसके बाद दूसरा सवाल रखेंगे सर। अभी रिसेंटली ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब वो विजयनगर में जाके टूर करके आया और कल ही उन्होंने हमको ब्रीफ किया कि वहाँ पे अभी रोड किस प्रकार से बन रहा है। तो इस बार क्योंकि मानसून थोड़ा अर्ली हम लोग को देखने को मिला है, तो मानसून के कारण से थोड़ा सा काम का पेस में थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ है, मगर जैसे हम सब जानते हैं कि विजयनगर रोड जो है 80% ऑफ द रोड इट फॉल्स अंडर नामदफा नेशनल पार्क, तो वहाँ पे रेगुलर रोड का जैसे तो काम तो नहीं होगा, वहाँ पे फॉर्मेशन कटिंग और कुछ अपना GSV लेइंग ही होगा। तो इसके अलावा रोड का प्रोग्रेस तो अच्छा है, सिर्फ कुछ ब्रिजेस का काम बाकी है, वो भी DCM साहब ने कहा है कि बाई मई लास्ट ब्रिजेस भी पूरा लॉन्च हो जाएगा। और गांधीग्राम से विजयनगर इट इज़ एक्चुअली 16 किलोमीटर्स, तो उसका भी काम जो है कॉन्ट्रेक्टर ने काम करना शुरू कर दिया है और कॉन्ट्रेक्टर ने एश्योरेंस दिया है कि मई तक ब्रिजेस और रोड बन जाएगा। कुछ जगह में अभी जैसे 20% रोड में ब्लैक टॉपिंग करना है, क्योंकि अभी मानसून में तो ब्लैक टॉपिंग हो नहीं पाएगा, इसलिए सितंबर अक्टूबर तक में ब्लैक टॉपिंग हो जाएगा बोल के ये एश्योरेंस दिया हुआ है। जी सर, जब हम गए थे वहाँ पे तो वहाँ के जो फॉर्मर ZPM थे और वहाँ के गांव के लोगों का कहना था कि PDS जो चावल पहुँचता है वो तो सफिशिएंट है उनके तरफ से कहा था, लेकिन उनका यही एक रिक्वेस्ट था आपसे और गवर्नमेंट से कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज जैसे डिपार्टमेंट्स का कोई भी ऑफिसर्स रहता नहीं है वहाँ पे, तो अभी जबकि मोटरेबल हो गया तो आप इंश्योर करोगे कि वहाँ के लोग डिप्राइव नहीं रहे सर? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी थोड़ा सा मौसम सुधार जाता है आई थिंक विद इन ए मंथ और टू मैं प्लान कर रहा हूँ कि पूरा कैबिनेट मीटिंग में एक बार विजयनगर में करेंगे और वहाँ होलिस्टिकली वहाँ पे विजयनगर और गांधीग्राम एरिया को किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए वहाँ के ऑनरेबल्स लोगों के साथ में भी और पंचायत जो है सीनियर लीडर्स लोग भी हैं उनके साथ में चर्चा करके हम लोग कुछ डेवलपमेंट पैकेज भी हम लोग देंगे वहाँ पे। सर और ताली का भी मार्च 22 का ही कमिटमेंट था आपके तरफ से, तो उसका क्या अपडेट है, कहाँ तक पहुँचा सर का? ताली रोड का जहाँ तक जो सवाल है वो ब्रिजेस को लेके थोड़ा सा एक शंका आया था, क्योंकि दो बार ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन वाला में हो कोलैप्स हो गया और अभी काम चल रहा है, जैसे ब्रिज लॉन्च हो जाएगा तो रोड वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच जाएगा एंड दैट्स फॉर श्योर कि इसी साल रोड तो पहुँच जाएंगे वहाँ पे। सर और अरुणाचल के काफ़ी डैम को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है एंड सवाल ये है गवर्नमेंट से कि 1000 से भी ज़्यादा जो अभी आप लोग कर रहे हैं प्रपोजल जो रख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता उनका ये कहना था कि छोटा डैम बन सकता है, क्यों इतना ज़्यादा वर्ड का बनाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट लोगों का लाइफ को रिस्क में रख कर डैम रखना, मतलब इस तरीके का सवाल आ रहा है, तो एज अ CM सर आप उस पर क्या कहना? ये देखिए जहाँ तक वो डैम का जो सवाल है इसमें आई थिंक बहुत लोग मिसलीड करने का बहुत कोशिश कर रहा है अरुणाचल प्रदेश और पूरा ये विश्व भर में एक तो षड्यंत्र है कि हिंदुस्तान को अपना देश को डेवलपमेंट होने नहीं देने के लिए, खास करके हाइड्रो पावर सेक्टर में, इसमें बहुत सारा लोग एनवायरनमेंट का वो कुछ गलत ऑब्जर्वेशंस वगैरह लोगों को मिसफीड करते हैं। तो इसमें देखिए कि कुछ भी अगर मेगा प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट होता है डैम में, तो इसमें एनवायरनमेंट असेसमेंट होता है, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट पूरा एक्सपर्ट्स लोग आके उसको स्टडी करके बहुत सारा क्लियरेंस होता है। उस क्लियरेंस में सबसे इम्पोर्टेंट तो देखा जाता है कि ये अपना लोगों को कुछ इसमें प्रॉब्लम ना हो, एनवायरनमेंट को लेके कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये पूरा कुछ असेसमेंट होने के बाद और तब जाके क्लियरेंस मिलता है, तब जाके ऑन ग्राउंड काम शुरू होता है। तो डैम बनने से एनवायरनमेंट और अपना जो पब्लिक को इससे कुछ परेशानी नहीं होगा, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का जो भी असर होता है उसको फिर कहीं में अगर रीप्लांटेशन करना हो, रीजनरेशन करना हो, वो भी डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही होता है, वो ये भी होगा सर। लेकिन नेचुरल कैलामिटीज़ को तो हम ह्यूमन तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका बेस्ट एग्जांपल उत्तराखंड में जो डैम फ्लड हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों का जान भी गया, प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि कुछ इश्यूज नहीं होगा, तो आप मेक श्योर करोगे कि अरुणाचल प्रदेश में जो अभी दिबांग वैली में जो बनने वाला है, इवन अभी बिछुम में है और लोअर सुबनसिरी में जो बन रहा है, तो आप एज अ CM मेक श्योर करेंगे कि आने वाले समय में एनवायरनमेंट कुछ ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा सर?
देखिए, नेचर जो ऐसे एक चीज़ है कि नेचर कैलामिटीज़ जब आते हैं उसके लिए डैम का जरूरत होना बोल के ज़रूरी नहीं है। जहाँ में डैम नहीं है वहाँ भी लैंडस्लाइड आता है, तो नो वन कैन फाइट द नेचर। तो लेकिन अभी हम लोगों को जीना भी है और आगे भी बढ़ना है, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा हम लोगों को। इसमें नेचुरल कैलामिटीज़ और डैम तो दोनों अपना अलग अलग एक चैप्टर हो गया। इनफैक्ट अगर इसको ब्रॉडर वे में देखा जाए तो डैम जहाँ पे है वहाँ पे एक्चुअली लैंडस्लाइड्स और जो फ्लड्स वगैरह आता है वो काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। इनफैक्ट देयर इज अदर वे राउंड। तो सर, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि लगातार नो डैम का इवन लाइक अभी वालो हारमोनी में आपने देखा था, उसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया, लेकिन सर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात ये डैम नहीं बनना चाहिए, मतलब बड़ा मैं इन अ लार्ज मैनर नहीं बनना चाहिए मेगावाट का, तो उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपील या कि लाइक उन्होंने मैसेज आप? मैं जितने भी जो एंटी डैम प्रोटेस्टर्स हैं उन लोगों को भी मैं ऑनर करता हूँ, क्योंकि अपना कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रोटेस्ट भी होना चाहिए। मगर जिस एरिया में जो बन रहा है, जिसका उसका मतलब जिस एरिया का पॉपुलेशन, अगर वहाँ का पॉपुलेशन लोग को कोई इंतराज़ नहीं है तो फिर दूसरों को भी इतराज़ नहीं होना चाहिए। जी सर।